कि एक बड़ी डील, बड़ी परचेज अप्रूव कर दी गई है। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय देने की डील तय कर ली है। यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक कोई $52 मिलियन की एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जिसे अब सोनोबॉयज बोलते हैं, और उसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है, वो इंडिया को दे रहे हैं। ये डील $52.8 मिलियन यानी तकरीबन $442 करोड़ से ज्यादा की है। अब इंडिया एंड अमेरिका आर इन अ डिफेंस अलायंस। अभी जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है उसके अंदर डिफेंस पे बहुत जोर है, उसमें ट्रेड को बढ़ाने पे बड़ा जोर है। इंडिया का इसको सरप्लस है ट्रेड के अंदर। उस अलायंस में हिंदुस्तान को अमेरिका ने कहा है और बताया भी है कि जिस किस्म की इक्विपमेंट आपको चाहिए, कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वर्ल्ड स्टेज पे। मिसाइल, प्लेन्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, स्पेशल इक्विपमेंट, और खास तौर से वॉर इक्विपमेंट जो चीन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को लोकेट करता है और फ्रीज कर सकता है। सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज हैं, इसमें सुनने में आया है कि ये बहुत सारी जो होस्टाइल सबमरीन्स होती हैं उनको हंड डाउन करती हैं। यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक कोई $52 मिलियन की एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जिसे अब सोनोबॉयज बोलते हैं, और उसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है, वो इंडिया को दे रहे हैं, जो कि कुछ इंडिया के हेलीकॉप्टर्स के लिए भी जो है वो चीज़ें दी जाएंगी, और इंडिया की जो नेवी है उसको सबमरीन्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेगी। सो ये जो सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज हैं, इसमें सुनने में आया है कि ये बहुत सारी जो होस्टाइल सबमरीन्स होती हैं उनको हंड डाउन करती हैं और पता लगाती हैं कि वो कहाँ पे हैं। कहा जाता है कि जो अमेरिका की जो सबमरीन्स हैं वो उनको ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम है। कहते हैं कि जो अगर आप दुनिया में चीज़ें ढूंढने चलें तो शायद हर चीज़ ही ढूंढ लें, लेकिन आप अमेरिकी सबमरीन्स को वो कहाँ पे हैं नहीं ढूंढ पाएंगे, वो इस तरह स्टिल तरीके से ऑपरेट करती हैं। सो चाइना के पास क्योंकि अच्छी भली सबमरीन्स हैं, और इंडिया ये समझता है कि अगर हमने ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज ना लिए तो शायद हम चाइना का वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब सुनने में आया है कि ये जो अंडर द मेजर डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका और इंडिया के दरमियान, एंड पर्टिकुलरली दिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के वाले से जो बातें होती हैं, इंडिया को एश्योर कराया अमेरिका ने कि वो एडवांस लेवल के जो एडवांस करेंगे जो की जो प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द को प्रोडक्शन जो है, ठीक है जी, और इसको अमेरिका में बोलते हैं बिग टिकट डिफेंस डील्स, ठीक है जी, ये बिग टिकट डिफेंस डील्स हैं जो अमेरिका देने जा रहा है। इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वर्ल्ड स्टेज पे, जिसमें के बहुत सारे जो है वो जो हाई रिस्क किस्म के स्पॉट्स हैं उनको वो डिस्कस कर रहे हैं, वो हुआ इंडो पैसिफिक हो या साउथ एशियन रीजन के अंदर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो उसमें जो है वो दूसरे कुछ मुल्क जाहिर है वो रोल तो प्ले नहीं कर सकते, ना कभी हिस्टोरिकली उन्होंने इस तरह का कोई विजन डेवलप किया, तो वो उसको सबोटाज करने के लिए इस तरह की जो है वो खबरें देते रहते हैं ख्वाहिशात के लबादे में, खबरों के लबादे में ख्वाहिशात को लपेट के तो पेश करते रहते हैं। जहाँ तक असल हकायक का ताल्लुक है तो ये जाहिर है कि दो डेमोक्रेसीज के दरमियान ताल्लुकात की बात हो रही है, ये कोई मिलिट्री वर्सेज मिलिट्री जो है वो अलायंसेस नहीं है कि पेंटागन वर्सेस हो ना है, तो उसमें जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें ओपिनियंस बदलती हैं, ओपिनियन मेकर्स की जो है वो इन्फ्लुएंस आगे पीछे होता है, उसकी वजह से नए लोग आगे आते हैं पुराने पीछे हटते हैं, तो उससे एक मुख्तलिफ जो महाज होते हैं फ्रंट होते हैं उसमें एक तरह का रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो कि होना चाहिए।
खैर नहीं हो, अब आपने सुना होगा माजी में भी कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो GEF-41 मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर, ताकि जो बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स हैं उनको जो है वो सपोर्ट मिल सके। इंडिया ने जो 31 MQ-9B जो हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs भी ऑलरेडी हायर किए हैं, अब मजीद हायर जो है प्रोक्योर करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इंडियंस ये समझते हैं कि द मोर वी विल बाय मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द अमेरिकन्स द बेटर इट इज़ फॉर द इंडियंस। ज़्यादा हार्डवेयर खरीदो ताकि अमेरिका के मुंह में भी पानी आए और वो बहुत सारी जो इक्विपमेंट है वो जब देंगे तो वो फिर को प्रोडक्शन की तरफ भी आएंगे। इसी तरह इंडिया जो है इट इज़ लुकिंग फॉर स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। फिर इसी तरह एक जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसकी को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है इंडिया और अमेरिका। इसके हवाले से बातचीत शुरू है और ये समझें कि जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हैं इंडिया के लिए, ये वो जो डिफेंस इंडस्ट्री को रोड मैप है दोनों मुल्कों का, उसके तहत ये चीजें होनी है। सो भले आपका जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो, भले स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, इंडिया अपनी इन्फेंट्री को मजबूत करना चाहता है और वो समझता है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पे चाइनीज के रिलेटेड ये चीजें होनी है। बेसिकली ये जो इंडिया ने ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम ले रहा है कि जो रैपिड डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है बहुत सारे इक्विपमेंट की, और टेम्परेरी लैंडिंग साइट्स तैयार करनी पड़ती हैं हेलीकॉप्टर्स के लिए, तो ये इंडिया बेसिकली ये जो ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम खरीद रहा है अमेरिका से, ये सारे इसीलिए खरीद रहा है चाइना के लिए। पाकिस्तान के हवाले से तो उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन चाइनीज़ के हवाले से बहुत कुछ उनको चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक तो इंडियन नेवी बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रही है। देखिए बहुत सारा जो इक्विपमेंट आ रहा है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द आर्मी, दैट इज़ रिलेटेड टू द नेवी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स का वो समझते हैं कि द मोर इंडियन एयरफोर्स इज़ रेडी द बेटर इट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पाकिस्तान। द मोर इंडियन नेवी इज़ रेडी the better it is prepared for showing its muscles to the regional and global players and for the China as well. So ye air force aur navy, so mujhe aisa lag raha hai ki ye jo india ke andar ye jo cds ka office hai shayad ye bahut sari cheezon ko abhi tak finalize nahi kar saka, isliye interoperability jo hai indian armed forces ke andar wo us tarah jo hai wo cds ka office ya ye jo cds ka abhi chauhan sahab hain जो जो चीज़ें करना चाहता था वो नहीं कर पाया, बिकॉज शायद इंडियन गवर्नमेंट अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही कि हाउ टू मेक हाउ टू गिव मोर पावर टू विच आर्म ऑफ द आर्म फोर्सेस। हकीकत ये है कि इंडिया जो है वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरनेशनल सॉलिड किस्म की जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करें।